दोस्तों, मैं अनिकेत आपका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से चैनल ज्ञान की बात में। आज हम लोगों ने अपने चैनल में एक थोड़ी नई तब्दीली की है। पहले मैं सुबह शूट करता था तो कई लोगों ने शिकायत की कि मतलब मुझे पर्सनली फ़ोन करके कहा कि आपका चेहरा थोड़ा डल नज़र आता है, इसलिए आप थोड़ा सुबह या टाइमिंग चेंज करिए अपनी शूट करने की। और मेरी आवाज़ भी सुबह सुबह ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, आपको भी पता है सुबह सुबह आदमी का मूड थोड़ा अलग होता है। इसलिए आज मैंने ये रात में शूट करने की सोची है और आज मैं अभी थोड़ा और चेंज किया है मैंने इस चैनल में। मैं आपको जो अभी करंट में थोड़ी बहुत चीज़ें चल रही हैं उनकी भी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, अभी चल रहा है SSC GD का एडमिट कार्ड, SSC GD के एडमिट कार्ड निकल रहे हैं और CISF की डेट बढ़ के 25 तारीख तक हो गई है। और अब वेबसाइट भी अच्छी चल रही है क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी नहीं पता है कि CISF की डेट एक्सटेंड हुई है। तीसरी चीज़ है एम्स का रजिस्ट्रेशन जो है वो फाइनल रजिस्ट्रेशन एम्स का हो रहा है एडमिशन के लिए, MBBS की पढ़ाई के लिए, तो वो आप करवा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि एक DSSB LDC जो 12th बेस पे है उसके भी फॉर्म निकले हुए हैं और आप लोग उसको भर सकते हैं, और CSF भी 12th बेस पे ही है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इस छोटी सी वीडियो में मैं अभी जो करंट में नॉर्मल बेसिस पे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आज का टॉपिक है हमारा, हम देखेंगे कि पिक्चर मैनेजर में कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही भाग है और उसमें हम देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि पिक्चर मैनेजर में हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये एक इमेज ली है, इसको हम ओपन विद पिक्चर मैनेजर करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। ये देखिए, एक हमने ये इमेज है ओपन पे क्लिक किया, इसको ओपन करने के लिए हमने इस पर राइट क्लिक किया, इस पर ओपन का ऑप्शन आ गया। अब हम ओपन विद इसको पिक्चर मैनेजर में ओपन करेंगे। ये पिक्चर मैनेजर ओपन हो गई है दोस्तों। अब इस इमेज में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये अगर मान लीजिए हमने स्कैन की होती और ये इमेज अगर तिरछी होती तो हम इसको यहाँ से सीधा भी कर सकते हैं। देखिए ये 90 डिग्री के एंगल पे घूमती है, ये देखिए यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे घूमेगी। और ये एडिट पिक्चर्स का एक ऑप्शन आता है, ये देखिए ये एडिट पिक्चर्स का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे क्लिक करते ही, एडिट पिक्चर्स के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं। ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रेस्ट का है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस पर ये देखिए नीचे कॉन्ट्रेस्ट लिखा हुआ है। अगर हम इस पर कॉन्ट्रेस्ट बढ़ाएंगे तो ये इस पिक्चर में कॉन्ट्रेस्ट बढ़ रहा है, ये आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कॉन्ट्रेस्ट बढ़ रहा है। इसको हम मैन्युअली यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको नीचे करेंगे तो ये हमारा कॉन्ट्रेस्ट धीरे धीरे कम होगा। अगर हमें तेज़ी में कम करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ से ऐसे कम कर सकते हैं। ऐसे इसका ब्राइटनेस का है, ब्राइटनेस हम ऐसे ज़्यादा कर सकते हैं, ये ब्राइटनेस यहाँ से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हम स्कैन करते हैं जिसपे डॉक्यूमेंट होते हैं टेक्स्ट लिखा होता है, अगर वो ठीक से स्कैन नहीं हो पाती है तो हम ब्राइटनेस करके उसकी क्लैरिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें हम इसके जो बाकी ऑप्शन हैं वो अब मिट चुके हैं, बाकी ऑप्शन को लाने के लिए हम एडिट पिक्चर पे दोबारा क्लिक करेंगे और ये कलर मैनेजमेंट में जाएंगे। कलर मैनेजमेंट, इसमें हम कलर कम ज़्यादा कोई भी एक इफेक्ट कलर का कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इसको हम ब्लैक एंड वाइट, ग्रीन, ऐसे ये देखिए ये भी अलग अलग इफेक्ट आ रहे हैं कम ज़्यादा करने से, ठीक है। और हम दोबारा एडिट पिक्चर पर क्लिक करेंगे, इसमें हम आज एक और ऑप्शन देखें क्रॉप करने का। क्रॉप करने का ऑप्शन ये है कि इसमें हम जैसे अगर साइन, फोटो और थंब वगैरह एक साथ अपलोड करते हैं तो उसमें हम साइन अलग कर सकते हैं, फोटो अलग कर सकते हैं, थंब अलग कर सकते हैं, इसीलिए क्रॉप का ऑप्शन होता है। क्रॉप करने के लिए कोई भी चीज़ को, ये निशान जो है निशान साइड में होता है, इसको हम कहीं पर मिला के रोक दें, उसके बाद हम ओके करेंगे तो ये इतना पोर्शन क्रॉप हो जाएगा, इतना बचेगा। उसके बाद हम यहाँ फाइल में जाके सेव एज करके, अगर हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये सिर्फ इतनी फाइल बचेगी और बाकी की जो पूरी फाइल थी वो हमारे पास नहीं बचेगी। अगर हम सेव एज करेंगे तो हमारे पास इतनी बड़ी एक फाइल होगी और पुरानी वाली फाइल वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो ये हमने क्रॉप वाला ऑप्शन देख लिया है। अब हम यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देखेंगे रोटेट का, रोटेट फ्लिप। जैसे हमने यहाँ पे एक रोटेट वाला ऑप्शन देखा था तो इस रोटेट वाले ऑप्शन में 90 डिग्री पे डायरेक्ट रोटेट होती थी इमेज, लेकिन यहाँ का जो ऑप्शन है इसमें रोटेट होगी मैनुअली। मतलब हम ये देखिए ये 90, 40, 60, 50 इतना मर्जी इतना चाहे अपने हिसाब से
रोटेट कर सकते हैं, ये देखिए रोटेट होके सीधी हो गई है। और दोबारा एडिट के ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे अब एक और इसमें ऑप्शन आता है रेड आई रिमूवल। ये तो कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है, इसकी कोई खास जरूरत नहीं। मेन साइज होता है रिसाइज, रिसाइज का जो ऑप्शन है ये मेन चीज होती है। रिसाइज में ये देखिए यहाँ पे पिक्सल लिखे हुए हैं, अगर ये पिक्सल हम यहाँ पे कम कर देंगे हाइट फॉर विड्थ के हिसाब से, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 237 हम यहाँ पे शो कर देंगे, दूसरी तरफ भी अपने आप ही ले लेता है। ये देखिए 133 अपने आप इसने दूसरी तरफ ले लिया है। और जैसे ही हम इसको ओके प्रेस करेंगे, ये देखिए जैसे ही हम इसको ओके प्रेस करेंगे ये छोटी हो जाएगी। इसको फिर कंट्रोल प्लस जेड करके, ये देखिए कंट्रोल प्लस जेड करके ये बड़ी हो गई। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस जेड लगभग सभी सॉफ्टवेयर में काम करता है, इसलिए इसमें भी कर रहा है। और ये पिक्चर जो है बड़ी हो गई, तो ये हम इसको रिसाइजिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम एस्टिमेटेड मतलब अप्रोक्सीमेट रिसाइज कर सकते हैं, एक्यूरेट रिसाइजिंग इसमें नहीं हो पाती है, वो होती है फोटोशॉप में, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। इसमें हमने ये देख लिया रिसाइज वाला। और एक कंप्रेस इमेज का, जैसे अगर फाइल बहुत बड़ी है और हमें पता है कि अंदाजा है कि किस साइज को उसको बनाना है, तो हम कंप्रेस इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे चार फिर ऑप्शन आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेब पेज ईमेल। तो अगर हम ये देखिए जैसे 35 KB की फाइल है, तो ये है इसको हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो 103 KB की हो गई, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट जो होता है वो बड़ा होता है। और वेब पेज के हिसाब से डालने के क्लिक करते हैं तो 19 KB की हो गई। और किसी को ईमेल भेजनी है ये फोटो तो 4-4.5 KB की लगभग हो गई। तो इस पे जब ओके करेंगे तो ये यहाँ पे ऊपर जैसे हमने टिक किया उस हिसाब से छोटी या बड़ी हो जाएगी। और फिर से अगर हम कंट्रोल प्लस जेड कर देंगे तो ये दोबारा बड़ी हो गई। तो आज हमने माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर के 3-4 यूजर्स देखे हैं। ये देखिए ये सारे यूज मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ आपको मैंने जो यूजर्स बताए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो मैं जल्दी डालूंगा और उसमें आपको और भी नई चीजें बताऊंगा। और लगातार जो मेन अपडेट आती रहती है फॉर्म्स को लेके, ऑनलाइन फॉर्म्स को लेके, वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। तो प्लीज मेरी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप भी अपडेट बने रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स, ओके।